हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज की होम रेमेडी में बहुत ही कॉमन जो है बीमारी है उसकी होम रेमेडी लेकर के आई हूँ और पांच चीजें बताऊंगी आपको, पांच सॉल्यूशन बताऊंगी। पांच में से आप दो चीज भी करते हैं तो आपको उस बीमारी से छुट्टी मिल जाएगी। दूसरा, इस बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने जो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा है, इसलिए भी मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर कर रही हूँ। लेकिन उस रेमेडी को बताने से पहले मैं 2 से 3 मिनट लूंगी आपको इस बीमारी का बेसिक कारण और सिम्टम बताने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो सबसे पहले उसका कारण और सिम्टम्स पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही तरीके से सिम्टम्स और उसके रीजन नहीं जानिएगा तो आप कभी भी उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकते, चाहे आप होम रेमेडी के थ्रू ही करिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो उस बीमारी का नाम है नजला जुकाम। बहुत सारे लोगों को हो जाती है नजला जुकाम। नजला जुकाम कहते हैं जिसको बार 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 सर्दी होती है, नाक बहना। तो स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, नाक में सुड़सुड़ी सी शुरू होती है और नाक बहनी शुरू होती है और उसके बाद लगातार छींक आती है, बिना रुके जो छींक आती है, मतलब जिसको होता है ना वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। इसके बाद कान से सनसनाहट की आवाज आनी शुरू हो जाती है और अगर इसको समय पर नहीं रोका जाता है, इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है, जिसको बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं। एक तो अगर वो जो बहती हुई नाक है आप इसको गलत तरीके से रोक लेते हैं तो वो चेस्ट में आपके जमा हो जाता है और अस्थमा या दमा हो जाता है, या फिर अगर सही इलाज नहीं करते तो वो नया रूप ले लेता है, वो है साइनस। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को समय पर इलाज नहीं करने के कारण निमोनिया हो जाता है। तो पहले अगर किसी को सर्दी होती थी तो लोग कहते थे अरे सर्दी ही तो है, ठीक हो जाएगी, पर अभी के टाइम में सर्दी होना और उसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग सिम्टम्स बता दिया कैसे पहचानिएगा। अब ये होता क्यों है, होता है एलर्जी या इन्फेक्शन के कारण। जैसे कि बारिश के दिनों में घरों में अगर सीलन हो जाता है तो बहुत से लोगों को नाक बहने लगती है और छींक आने लगती है। इसके अलावा घर में कुछ अगर तड़का लगता है रसोई में तो बहुत से लोगों को छींक आता है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब बस उस तड़के का असर खत्म होता है और वो छींक ठीक हो जाती, तो वो उतना सीरियस नहीं होता है। लेकिन जो सीलन से होता है या फिर किसी चीज़ की खुशबू से, जैसे डिओड्रेंट की खुशबू, मच्छर मारने की दवा की खुशबू, कोई भी स्प्रे करने की खुशबू से जिन लोगों को होता है वो बहुत लंबा चलता है। इसके अलावा धूल से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एलर्जी वाली चीज़ें जो ज़्यादातर लोगों को कॉमन होती है। जैसे जाड़े के दिन में हम अगर विंटर सीजन में कंबल या स्वेटर बिना धूप दिखाए पहन लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को उससे छींक और नाक बहने लगती है और इसी से शुरुआत हो जाती है नज़ला जुकाम की, यानी ये एक एलर्जिक डिजीज़ है, एलर्जी से होने वाली बीमारी। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आपको एलर्जी हो किस चीज़ से रही है। तो आपको पहला काम तो करना उस चीज़ से दूर रहना है, लेकिन दूर रहने में सबसे ज़रूरी चीज़, अब मैं इलाज बताती हूँ आपको। सबसे पहले अगर आप घर में किसी भी तरह का मॉस्किटो कॉयल या फिर लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। मैंने एक वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है कि वो किस तरह से आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है, स्पेशली आपके नाक से लेकर लंग्स तक के एरिया को, तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपके आपके बच्चों को आपके बुजुर्गों को बहुत आगे के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये हो गया इसका पहला इलाज। दूसरा, घर पे इनहेलर बनाते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे ही सर्दी होती है, नाक बहनी शुरू होती है तो मार्केट से इनहेलर लाते हैं और उसको खुशबू लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका जो मिंट होता है वो इतना ज़्यादा तेज होता है कि अगर आप उसको चेस्ट पे लगा लीजिए या नाकों पे लगा लीजिए तो थोड़ी देर तो आपकी नाक बहती है पर बाकी चीज़ जो है वो अंदर जम जाता है और वो फिर अस्थमा का रूप ले लेता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ घर पर इनहेलर कैसे बनाना, और ये बहुत अच्छा काम करता है। आपको एक कॉटन कपड़ा लेना है, रुमाल ले लीजिए, उसमें चार चीज़ें डालिए, चार में अगर आपको तीन भी चीज़ें मिलती हैं तो भी काम चल जाएगा। पहली चीज़, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन की खुशबू बेस्ट इनहेलर होता है, जो कि नाक से लेकर चेस्ट तक के पूरे पोर्स को खोल देता है। दूसरा, हींग। हींग की खुशबू बहुत नेचुरल होती है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो 2 चुटकी हींग। इसके बाद आपको लेना है 1 टुकड़ा कपूर का, इसमें डाल लेना है, और 2 कलियां लहसुन की। तो मैंने एक कॉटन कपड़ा लिया, कॉटन कपड़े में डाल दिया 1 चम्मच अजवाइन, 2 कलियां लहसुन की, 2 चुटकी हींग और 1 टुकड़ा कपूर का, और उसको पोटली बना ली, और पोटली बना के आपको उसको इनहेल करना है, इस तरह से सूंघना है। तो इससे क्या होगा, जो एलर्जिक वाली चीज़ें होती है, जिन चीज़ों से आपकी एलर्जी होती है उनसे लड़ने की क्षमता आप में बढ़ जाती है। कपूर उस क्षमता को बढ़ाता है और अजवाइन, हींग जो है, हींग जो इस एरिया को क्लीन कर देता है। तो ये इनहेलर बहुत अच्छा काम करता है, और सबसे अच्छी बात कि आप इसको बच्चों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुजुर्गों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का एज रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है।
तो इस चीज को करिए, आपको खुद ही इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। अब तीसरी चीज, अगर किसी को नाक बहने शुरू होती है, छींक आने शुरू होती है, तो सबसे पहले उसका इलाज होता है कि पहले उसकी छींक रोकी जाए। छींक और नाक बहना रोकने का इंस्टेंट उपाय है, एक कप पानी को गर्म करिए बिल्कुल चाय की तरह, उसमें 4 से 5 बूंद नींबू का डालिए और 2 चुटकी नमक डाल के घोल के चाय की तरह सिप लेकर के पीजिए। 2 से 3 मिनट के अंदर छींक रुक जाएगी, इंस्टेंट आराम मिलेगा। आप इसको करके जरूर देखिएगा। अब जब छींक रुक गई, नाक बहना कंट्रोल हो गया, लेकिन ये तो तत्काल हम लोग ने सॉल्यूशन निकाला ना, लेकिन हमें परमानेंट इलाज चाहिए। तो परमानेंट इलाज के लिए, जिन लोगों को बार बार होता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, आपको लेना है 1 चम्मच शहद, उसमें 1 टुकड़ा अदरक का रस निकालना है, 2 चुटकी काली मिर्च और 1 लौंग को पीस करके उसमें डाल करके उसको पी लेना, जैसे कफ सिरप पीते हैं ना, उसी तरह से समझिए कि आप 1 चम्मच पीना। आपको 1 चम्मच शहद, 1 टुकड़ा अदरक का रस, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 लौंग। लौंग ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है, तो 1 लौंग से ज्यादा इस्तेमाल करने से कफ जो है वो जम जाता है, इसलिए हमेशा जब भी 1 चम्मच में 1 लौंग का इस्तेमाल करिए। और आप इसको एक परमानेंट डब्बे में बना के भी रख सकते हैं। 1 cc शहद लीजिए, उसमें 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का रस निकाल करके रख लीजिए, 1 चम्मच काली मिर्च डाल दीजिए और 8 से 10 लौंग डाल करके पीस कर डाल के उसको 1 cc में पैक करके रख दीजिए, जैसे कप सिरप होता है, और रोज 2 टाइम 1-1 चम्मच उसको पीजिए कप सिरप की तरह। तो जो भी, जिन लोगों को नजला जुकाम बार बार होता है उनको इससे जड़ से आराम मिल जाएगा। तो मैंने 4 उपाय आपको बता दिए, छींक रोकने के लिए उपाय, नजला जुकाम को जड़ से खत्म करने का उपाय, ना हो नजला जुकाम उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है वो बता दिया, और घर पे इनहेलर कैसे बनाना है। अब 5वां इलाज जो आप पूरे जिंदगी भर कर सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, वो है आपको करना है एक योगा, लोम विलोम, जो मैंने योगा वीडियो में बताया है लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। पलथी मारना है आपको, अंगूठे से इस तरह से नाक के एक साइड को दबाना है और आपको सांस खींचनी है जोर से। शुरुआत में जिन लोगों को नजला जुकाम है उन लोगों को ये योगा करने में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे 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 ये चीज जब क्लियर होने लगेगा तो उन लोग को बहुत ही अच्छे से योगा कर सकते हैं। तो इस तरह से खींचना है, थोड़ी देर को रोकना है और फिर इस साइड को दबा के इस साइड से छोड़ देना है, फिर इधर से खींचना है, फिर रखना है और इधर से छोड़ देना। ये जो योग है ये सिर्फ नजला जुकाम के लिए, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको निमोनिया है, ये सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो प्लीज इसको जरूर करिए। इन 5 रेमेडी को आप 5 में से 3 चीजें भी करते हैं तो आपके परिवार में जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको फिर ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसको आजमा के जरूर देखिएगा। और सबसे अच्छी बात कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब अगर आपको ये फायदा नहीं भी करता है, मान लीजिए 1% को, तो आपको ये नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और कोई भी होम रेमेडी जो है सॉल्यूशन, मतलब उसका समाधान जो होता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। तो हमेशा कोशिश करिए, घरेलू नुस्खों को आजमाइए और बहुत ही कारगर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली से। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट आपको रोज मिल जाए। अपने सवाल, जो भी आपके बीमारी से संबंधित जो भी सवाल होंगे उसकी, होम रेमेडी से संबंधित, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली वीडियो आपके लिए पोस्ट करूंगी, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक।